स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज मसाला किचन में बन रहा है एक बहुत ही बढ़िया बैगन का भरता। बैगन का भरता अक्सर हम सर्दियों में काफ़ी टाइम बनाते हैं। सब घरों में अलग अलग तरीके से बैगन का भरता बनाया जाता है। आज मैंने इसे इतना सरल तरीके से बनाया है कि बिगनर्स भी बना सकें और टेस्टी इतना, मतलब इतना सरल बनने के बाद टेस्टी इतना, बस हमें टेस्टी तो चाहिए, अच्छा टेस्ट हो और वो बैगन बहुत सरल बन जाए तो इससे अच्छा हमें और क्या चाहिए। तो ये आप वीडियो आखिर तक देखिए, आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबको आसान गाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। मैंने यहाँ पर 3 बैगन लिए, करीब करीब 700 ग्राम के आसपास है। 2 बड़े प्याज ले लिए बारीक कटे हुए, थोड़ी अदरक है, हरी मिर्च है, मटर के दाने हैं और टमाटर हैं। आप प्याज स्किप कर सकते हो। सबसे पहली ट्रिक जो है, बैगन जब आप भी खरीद रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा हो, मीडियम साइज़ का भी हो चलेगा, लाइट वेट हो। जब भी आप उसे उठाकर देखें, थोड़ा उछालें तो थोड़ा लाइट वेट हो। भारी होता है तो उसमें बीजे होते हैं और कभी कभी कीड़ा भी होता है। वैसे कीड़े का तो यहाँ टेंशन ही नहीं है क्योंकि मैंने आपका टेंशन ख़त्म कर दिया है। सबसे पहले बैगन को कट कर दीजिए, पूरा आधा आधा कर दीजिए। यस, ये बैगन बिल्कुल बिना बीजे का है क्योंकि हल्का था। वॉश करके आप पहले से ही रख देते हो, ये तो अभी हमारा नियम ही बन गया है। हर सब्जी आती है पहले से हम उसे वॉश कर लेते हैं, साफ़ करके फिर ही फ्रिज में रखते हैं। एक और बात, यहाँ पर मैंने एक चीज़ अपने आप ही स्किप की है, वो है लहसुन। आपने नोटिस किया होगा बैगन जो ये सीजन में आता है बहुत मिठास होती है उसके अंदर। तो उस मिठास वाले बैगन में जब हम कभी लहसुन खूब सारा डाल देते हैं, माना कि टेस्टी अच्छा लगता है पर बैगन का जो एक्चुअल टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज मैंने ये ही किया है, लहसुन को हटा दिया है और मैंने इस बैगन के भरते को बनाया है। अब देखते हैं क्या करने वाले हम। अब एक प्रेशर कुकर ले लीजिए, उसमें बहुत थोड़ा ऑयल डाल दीजिए। चिंता न करें, ये ऑयल वेस्ट नहीं है, ये ऑयल हमें बाद में यूज़ होगा। बहुत थोड़ा पानी भी डाल दें, करीब आधे कप के आसपास या उससे थोड़ा कम। अब ये तीनों बैगन 6 पीस मैंने कर दिए हैं वो इसमें डाल देती हूँ। कोशिश करें कि नीचे काला वाला पार्ट हो बैगन का। बस थोड़ा सा डाल दीजिए नमक और इसकी विसिल लगा लीजिए 2 से 3। अब थोड़ा सा अदरक है हमारे पास, हरी मिर्च 1 से 2 डाल सकते हैं, बहुत स्पाइसी भी नहीं रखना है हमें, और उसे हम फाइन चॉप कर लेते हैं। प्याज को आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो। लीजिए 2 से 3 विसिल बजने के बाद यहाँ पर आप देखिए, कोई भी जाली ले लीजिए, उसमें नीचे पूरा पानी आ जाए, ये पानी हमें यूज़ होगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट पानी है। अब आप इतना देख लीजिए कि बैगन की स्किन ऊपर से हट जाए, बिल्कुल इसी तरीके से। इन बैगन को थोड़ा ठंडा कर दीजिए और इसकी स्किन हटा दीजिए। अब इसे रख देते हैं थोड़ी देर ठंडा करने के लिए क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है। ये सारे स्टेप फॉलो कीजिए और एक बार इस तरीके से बना के देखिए, फिर मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे घर में इस टाइप का सरल सा बैगन का भरता अक्सर ज़्यादा बनता है और बहुत पसंद आता है। अभी उसी कुकर को लेते हैं, हमें बर्तन भी ज़्यादा नहीं निकालने हैं, गैस भी हमें ख़राब नहीं करना है। अब कुकर में डाल दीजिए 1 से 2 चम्मच ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना है। आप सरसों के तेल में भी बना सकते हो। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा हींग और जीरा, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम। चटकने के बाद डाल दीजिए इसमें प्याज, अदरक और हरी मिर्च। अब इन्हें थोड़ा पका लीजिए। अब इसी प्याज में बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 मिनट बस भूनना है। और आप डाल दीजिए इसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटर। अब इसमें डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, मिर्चें भी बहुत कम डालिए, बिल्कुल भी ज़्यादा ना डालें। धनिया पाउडर अच्छे से डालिए, 2 चम्मच मैंने छोटे डाल दिए, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। कलर के लिए आप डाल सकते हैं काश्मीरी मिर्च, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर। अब इन सारे मसालों को आप भून लीजिए।
जब मसाला अच्छे से भुन जाए तब आप ये छिलके हटे हुए बैंगन जो हैं उन्हें डाल दीजिए। अब इस बैंगन की होगी पिटाई, बस करछी से धीरे धीरे उसे कूटते जाइए और बीच बीच में आप इसे ढक के स्लो गैस पर पकाते जाइए, जिससे टमाटर भी अच्छे से पक जाए, टमाटर का कच्चापन बिल्कुल ना आए। अगर करछी से ना हो पाए तो मेरी तरह इस तरीके से पाव भाजी मैशर से आप इस तरीके से बैंगन को अच्छे से मैश कर दीजिए। बीच बीच में वो पकता भी रहे, नीचे से सिकता रहे और ऊपर से वो घुटता रहे। यकीन मानिए, जो बच्चे पाव भाजी को बेहद पसंद करते हैं, बैंगन को बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते, उन्हें आप एक बार ब्रेड के साथ, पाव के साथ, रोटी के साथ खिलाइए, फिर आप देखिए कमाल। मैंने कोई पाव भाजी मसाला नहीं डाला, ना ही मैंने मैगी मसाला डाला है। आपको और टेस्टी बनाना है, मैगी मसाला डाल सकते हो, पाव भाजी मसाला डाल सकते हो। वैसे मैंने इसे सिंपल तरीके से रखा है। जब बैंगन अच्छे से पिस जाए तब आप डाल दीजिए मटर। अब मटर के साथ वो उसकी भुनाई होगी। दूसरी तरफ मैंने तवे पर थोड़ी सी कसूरी मेथी रख दी है। इस समय थोड़ी सील सी गई है तो मैंने उसे सेकना शुरू किया है। जब सिक जाएगी तब हाथों से क्रश करके बाद में इसमें डालेंगे। बहुत ही कम मसाला, बहुत ही कम ऑयल, आप इसे बनाइए इस तरीके से। बस इसकी भुनाई में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। जितना आप भूनेंगे उतना ही वो टेस्टी बनेगा। अब यही वो पानी है जो हमने बैंगन के साथ स्टार्टिंग में डाला था, ऑयल और पानी, उसे आप इसमें डाल दीजिए। स्वादिष्ट भी है, साथ में ऑयल भी है, तो ये हमारी इस बैंगन के भरते को और स्वादिष्ट बनाएगा। इसमें बस इतना ही पानी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बहुत रनी नहीं चाहिए होता है। अब आप एक विसिल लगा लीजिए, वो भी सिर्फ इसलिए कि मटर सॉफ्ट हो जाए। लीजिए, अब ये तैयार है बैंगन का भरता, इसे हम सर्व कर लेते हैं। आपको ये सरल सा बैंगन का भरता, स्वादिष्ट बैंगन का भरता कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। तो मैंने कहा था ना आपसे, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बिल्कुल है ना अलग तरीके का बैंगन का भरता। ना तो मैंने भूना, ना ही मैंने बहुत सारे मसाले डाले, बहुत सारा ऑयल नहीं डाला, लहसुन नहीं डाली, आप प्याज भी स्किप कर दीजिए। बहुत सरल सा बैंगन का भरता स्वादिष्ट बनेगा, इसे जरूर बनाइए। आप इसे इंजॉय कीजिए रोटी पराठे या चावल के साथ या ब्रेड पाव के साथ। आपको किससे ज़्यादा पसंद आया मुझे जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजिए।